हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फॉक्सी आईलाइनर विद मेकअप शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से आप इजीली फॉक्सी आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। फॉक्सी आईलाइनर वो भी बहुत ही सॉफ्ट बेस के साथ, कि किस तरह से मैंने ये बेस तैयार की है और लाइनर किस तरह से अप्लाई किया है मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को अभी ही लाइक कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जितनी भी वीडियोज अपलोड करूँ अपलोड करते ही फ़ौरन मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फेजिट का मैच एचडी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है। ये अप्लाई मैं कर रही हूँ विदाउट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप प्राइमर पहले यूज़ कर लें। ये स्किन है इसलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन को, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है। उसके बाद मैं लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ये मिस रोज़ का लूज पाउडर है, काफ़ी अच्छा है, इसको फिक्सर भी कहते हैं। मिस रोज़ का आई शेड अप्लाई करूँगी, सिर्फ एक आई शेड अप्लाई करूँगी और फिर हाईलाइटर लगा लूँगी, बस मेरा जो आईज़ मेकअप है वो कम्प्लीट हो जाएगा। मैं यूज़ कर रही हूँ ये एलएपी का हाइलाइटर है, और अगर आपको चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इजीली ले सकते हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। हाइलाइटर मैंने आईलेट पे लगाया है, वही मैं हाईलाइटिंग पे यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज के नीचे, और उसको ब्लेंडिंग मैंने अच्छी तरह से कर ली है। उसके बाद मैं ग्लैमर का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, जेल आईलाइनर है, ब्लैक कलर का है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नर से मैंने जो स्टार्ट किया है वो बिल्कुल बारीक सी लेयर बनाई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं स्लो हैंड से बना रही हूँ, आप भी बिल्कुल स्लो स्लो ऐसे बनाते जाएंगे। आई लाइनर क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग आई लाइनर होता है, इसलिए जो आई शेडिंग आप करेंगे वो लाइट ही रखेंगे, अगर हैवी कर लेंगे तो फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगा, लाइनर भी लंबा और आपके जो आई शेडिंग है वो भी हैवी, तो फिर बुरा लगेगा। तो आप लाइट ही रखें, कोई सा भी शेड लगा सकते हैं आप, मैंने जो शेड लगाया आप डिफरेंट शेड लगा सकते हैं, मगर लाइनर आपको इसी तरह से क्रिएट करना है। समझाने के लिए मैंने इस तरह से डॉट डालकर फिर लाइनर को ज्वाइन कर लिया है, और लाइन को ज्वाइन करके मैं इस तरह से मैच कर रही हूँ, जो आगे लाइन है उसको मैच करके मैंने लाइनर क्रिएट कर लिया। ये पे जो हमने आई शेड अप्लाई किया वो नीचे शेड अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आईब्रोज है ब्राउन पेंसिल से मैं फिल कर लूंगी और फिर उसको नीट कर लूंगी। तो अच्छी तरह से नीट करने के बाद मैं डोडो गर्ल का हाइलाइटर एंड कंटूर अप्लाई करूंगी। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद वही हाइलाइटर जो मैंने आईज पे यूज किया है वो मैं अप्लाई करूंगी, इसका नंबर है 02। मैं देखा सिर्फ एक फाउंडेशन से मैंने बेस तैयार कर दिया, और जो लाइनर है मेरा बहुत ही अच्छा लाइनर क्रिएट किया है मैंने, आपने देखा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।